नमस्कार, मैं हूँ देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब सीबीआई के हाथों में सौंप दी है। यानी कि दिल्ली वाले हादसे को लेकर अब दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच करेगी और सेंट्रल के विजिलेंस अधिकारी विजिलेंस ऑफिसर इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो जांच की आंच पर सवाल ना उठे, इसीलिए हाईकोर्ट ने यह पूरा मामला सीबीआई को सौंपा है। साथ ही हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि एक एसयूवी कार सवार एक युवक जिसकी गिरफ्तारी इस घटना के अगले ही दिन की गई थी और उसके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि जब उन सड़कों पर पानी भरा हुआ था तो वो एसयूवी ड्राइवर काफी तेजी से अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था जिसकी वजह से पास लगा दरवाजा टूट गया था और पानी अचानक ज्यादा वहां पर भरता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर पुलिस का जनता सम्मान करे ऐसा पुलिस चाहती है तो पुलिस को निर्दोषों को नहीं बल्कि गुनहगारों को पकड़ना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में एसयूवी कार सवार की गलती कितनी है ये नहीं पता, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे पूरी तरह से निर्दोष बताया है और बहुत जल्दी वो जमानत पर बाहर भी आ सकता है। इससे पहले भी उस एसयूवी कार सवार चालक ने जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया था लेकिन उसे जमानत नहीं दी गई थी, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उसे कहीं ना कहीं निर्दोष जरूर कहा जा रहा है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के समर फील्ड स्कूल में आज सुबह सुबह बम से उड़ाने के स्कूल को जान से मारने की एक धमकी दी गई। हालांकि ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई, उसके बाद सबसे पहले स्कूल प्रशासन ने पुलिस को फोन किया और अभिभावक भी वहां पर मौके पर पहुंचे। कुल मिलाकर 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही संगीन मामला था। हालांकि जब इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की गई कुल 3 से 4 घंटों का वक्त लगा तो मालूम चला कि धमकी देने वाला जो मेल आया था वो किसी और ने नहीं बल्कि उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक 14 साल के छात्र ने किया था। हालांकि पुलिस ने उस छात्र से कई घंटों तक पूछताछ की है और उस छात्र ने पुलिस के पूछताछ में यही कहा है कि उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, इसीलिए उसने इस तरह से धमकी भरा ईमेल भेजा ताकि उसके घर वाले उसे स्कूल ना भेजें। फिलहाल पुलिस और भी कई एंगल से इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल कर रही है, लेकिन बम मिलने की घटना को देखें तो 2 से 3 महीने पहले ठीक इसी तरह से देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुल 100 से ज़्यादा स्कूलों में बम से स्कूल को उड़ाने की धमकी आई थी और उस वक्त भी पूरे दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ था। हालांकि उस वक्त भी तमाम जो जांच पड़ताल की गई थी तो जांच पड़ताल करने के बाद ये पूरी तरह से जो धमकी वाला ईमेल था ये पूरी तरह से फेक पाया गया था। लेकिन इस तरह की धमकी अगर एक 14 साल का छात्र देता है तो सोचिए कि उसकी मानसिकता कैसी रही होगी। एक 14 साल का लड़का जो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल जाता है और स्कूल ना जाने की वजह से वो इस तरह के धमकी भरे मेल करता है जिससे कि पूरा स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन हिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आज के वक्त में देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से ऐसी ऐसी जानकारियां हासिल हो चुकी हैं जो दो धारी तलवार कहें तो शायद गलत नहीं होगा, जो अच्छी भी कहे दिशा में अगर ले जाया जाए तो उसे अच्छे तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे उल्टी दिशा में ले जाया जाए तो इस तरह के हरकतें सामने आती हैं। कतर के दोहा में हमास नेता हानिया की हत्या के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में इजराइल हाउस और रबाडा हाउस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। जैसे ही ये खबर निकलकर अब तो 3 दिन पहले सामने आई थी तब से ही दिल्ली में स्थित रबाडा हाउस और इजराइल दूतावास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए लगातार बैठकें की जा रही थी और अब पूरी तरह से यानी हम कहें ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखा जा रहा है कि यहाँ पर भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब से 3 दिन पहले हमास नेता हानिया की हत्या उस वक्त की गई थी जब
ऐसे मौके में ऐसे वक्त की गई थी जब वो हवाई यात्रा पर था, और तब से लेकर अब जहाँ जहाँ इसराइल दूतावास है उन सभी देशों में इसराइल दूतावास की सुरक्षा व्यवस्था इसी तरह से बढ़ाने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जब भी कोई इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए पूरी तरह से जुट जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त रोजाना एक एक ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो NDMC और साथ ही MCD पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। अब से कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, और इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इंदौर, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर कोचिंग सेंटरों पर जहां कार्रवाइयां हो रही हैं, तो वहीं जहां इसकी शुरुआत हुई यानी देश की राजधानी दिल्ली, वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां कितनी हुई ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसी खबरें अब रोज़ाना निकलकर सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला है देश की राजधानी दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी का, जो साउथ दिल्ली का इलाका है। उसमें आज एक बहुत ही बड़ी और दुखद खबर निकलकर सामने आई। एक पिता जिनका नाम अजय सिंह है, वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, और जैसे ही वो जा रहे थे तो रास्ते में एक मेन होल पड़ा, और मेन होल के ऊपर एक प्लाईवुड रखा हुआ था, उसके ढक्कन नहीं थे, तो बच्चा उस पर चढ़ गया। जैसे ही बच्चा उस पर चढ़ा, पैर के वजन से वो प्लाईबोर्ड टूट गया और बच्चा मेन होल में जा गिरा। आनन फानन में वो लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे, और जो राहगीर वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने उस बच्चे को निकालने में काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद जो है सफलता पाई। इस पूरे मामले के बाद बच्चे को दिल्ली के एम्स अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया गया है। हालांकि पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पीड़ित परिवार के पिता ने, अजीत सिंह ने, इस पूरे मामले में NDMC और MCD दोनों पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सवाल तो वाकई में बनता है कि जिस दिल्ली की घटना को लेकर पूरा देश कहीं ना कहीं आक्रोशित है, छात्र अभी भी सड़कों पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उसी दिल्ली में सीवर के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर जब इस तरह की घटनाएँ, लापरवाही की घटनाएँ निकल कर सामने आती हैं, तो कई बड़े सवाल उठते हैं और उठने लाजमी भी हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस शिकायत नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि MCD NDMC अब इस पूरे मुद्दे पर जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन जरूर लेगी। लेकिन कड़ा एक्शन लेना क्या होता है ये हम पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार देख रहे हैं। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली हिंद फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।